हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आप सबके कमेंट को पढ़कर मैंने ये दोनों रेसिपी आपके लिए तैयार की है, तो चलिए बनाते हैं। एडिबल ग्लू बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून गर्म पानी लिया है। पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, बस गुनगुना होना चाहिए। ये CMC पाउडर है जो कि हमें फॉन्डेंट बनाने में या गम पेस्ट बनाने में या फिर आइसक्रीम बनाने में यूज होता है, वही ये पाउडर है। और मैं इसे 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। हो गया आपका एडिबल ग्लू तैयार। बस इसे कुछ नहीं करना है, 1 मिनट के लिए बस इसे इसी तरीके से मिक्स कर देना है और बाकी के लिए इसे 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख के छोड़ देना है। ये सारी गुठलियाँ जो अभी इसमें थोड़ी मोड़ी बची भी होंगी वो अपने आप इसमें मिक्स हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 24 घंटे के बाद जब देखेंगे इसमें बिल्कुल भी इस तरीके से दाने नहीं होंगे, ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका होगा। इसीलिए आप इस समय कोई मेहनत ना करें, बस इसे फ्रिज में रखकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें और इसे बाद में भी आप फ्रिज में रखें और जब आपको ज़रूरत हो फ्रिज से निकाल कर यूज करें और फिर से इसे फ्रिज में रख दें। 24 घंटे हो चुके हैं और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना परफेक्ट तैयार हो गया है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो ये आपको महंगी मिलेगी, तो इससे अच्छा है आप क्यों ना इसे होममेड बनाएं और यूज करें। मैं आज आपसे 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अपने केक के लिए और अपने यूज के लिए बनाती हूँ। हो सकता है कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हों, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ और यूज करती हूँ वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। एडिबल ग्लू हो या फिर शॉर्टनिंग, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, इसकी ज़रूरत बहुत ही नाम मात्र का, बहुत ही थोड़ा सा होता है। तो इसके लिए हम क्यों बाहर पैसे खर्च करें, आप घर की सामग्री से बनाकर इसे यूज करें, काम तो वही करेगा। तो फिर आप इसे बचत के रूप में देखें और इसे घर में ही तैयार करें। अब शॉर्टनिंग बनाने के लिए मैं इसमें बर्फ़ ले रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें चिल्ड वाटर भी डाल दिया है। और ये मैंने एक ग्लास में आइस जमा लिया था क्योंकि इसमें बर्फ़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। और लगभग इसमें मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। इसमें आपको दानेदार घी ही लेना है, याद रखें पिघला हुआ घी नहीं लेना है, दानेदार घी होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये मेरा गाय का घी है, तो आप अगर वाइट वाला जो घी आता है, जो नॉर्मल घी होता है गाय का ना हो, तो आप उसका यूज करें। आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो तो बनाई है लेकिन मैं यहाँ पे गाय के घी का यूज कर रही हूँ, इसलिए ये थोड़ा पीलापन पे आ रहा है। मैं इसी घी का यूज करके शॉर्टनिंग हमेशा बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपको वही तरीका मैंने बता दिया। अगर आप इसको वाइट देखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल घी यूज करें, गाय के घी का यूज ना करें, लेकिन घी दानेदार ही होना चाहिए। इसे खूब मसलना है, खूब ज़्यादा इसे इसमें पानी में मसलना है ताकि ये जो दानेदार घी था वो स्मूथ हो जाए और एकदम चिकना हो जाए। तब तक इसे मसलना है जब तक कि ये एकदम फ्लफी ना हो जाए। और मुझे बहुत ज़्यादा हाथ में ठंड लग रही है आइस के कारण, इसलिए मैं अभी इस स्पैचुला का यूज कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं इसे हाथों से ही मसलूंगी क्योंकि ये हाथ से ही मसलने के बाद काफ़ी फ्लफी और चिकना होगा। तो मैं इसे इस तरीके से फ़िलहाल मसल रही हूँ और आपको भी इतना इसे मसलना है कि ये फ्लफी हो जाए। और आपने देखा घी का कलर चेंज हो चुका है। दोस्तों, ये मेरी अपनी रेसिपी है, यानी कि मैं अपनी इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ को मैं यूज करती हूँ, बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैं इसे ख़रीदना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से बनाकर काम चला लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि घी का कलर चेंज हो जाता है। अगर यहीं पे ये नॉर्मल घी होता, गाय का घी नहीं होता, तो ये वाइट दिखता और यहाँ पे गाय के घी होने के कारण ये थोड़ा सा पीलापन पे आ रहा है,
इसी तरीके से आप इसे मसल मसल कर काफ़ी फ्लफ़ी कर दें ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी होकर और हल्का हो जाए और आपका शॉर्टनिंग अच्छे से तैयार हो जाए। इसे बनाने का एक और तरीका है जिसमें कि हम घी को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। अगर घी मेल्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ फ्लफ़ी बनाने के लिए। तो घी अगर मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद बर्फ़ की पानी में हम डालेंगे, उसके बाद उसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़कर और शॉर्टनिंग हमारा तैयार हो जाएगा। ये 2 प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए मैंने घी को मेल्ट नहीं किया, इस तरीके से ही बना रही हूँ। शॉर्टनिंग का यूज़ मैं फॉन्डेंट बनाने में करती हूँ और एडिबल ग्लू का यूज़ मैं फॉन्डेंट के फ्लावर या फिर फॉन्डेंट से जो मैं नाम लिखती हूँ उसको चिपकाने में करती हूँ। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरीके से इस बर्फ के पानी में छोड़ दूंगी। और अगर गर्मी का दिन है तो आप इसे फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा भी हो और इस तरीके से बर्फ पिघलेगा धीरे धीरे, तो ये काफ़ी अच्छा बनेगा। मैंने इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था तो बर्फ़ भी पिघल चुका है लेकिन ये काफ़ी ठंडा है फ्रिज में रखने के कारण, और हमारा ये शॉर्टनिंग तैयार हो चुका है। इस तरीके से मैं इसे निकाल लूँगी और पूरी तरीके से इसे निचोड़ कर इसका पानी पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मैं एक बॉक्स में रख दूँगी, एयर टाइट बॉक्स में, और इसे भी मैं फ्रिज में रखूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं फ्रिज से निकाल कर यूज करूँगी। एडिबल ग्लू और ये शॉर्टनिंग आप दोनों को फ्रिज में ही रखें और जब भी ज़रूरत हो आप उसे निकाल कर यूज करें और फिर से फ्रिज में रख दें। ये बहुत लंबे समय तक आपके काम आएगा और थोड़ा थोड़ा यूज होता है तो आपको बार बार बनाने की झंझट भी नहीं होगी, बहुत ही कम यूज होगा। इसी तरीके से मैं पानी इसका निकाल दूंगी और इस बॉक्स में इसे रख दूंगी, एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए, उसमें इसे पैक कर दूंगी और इसे अब ज़रूरत के हिसाब से मैं यूज करूंगी। आपने देखा एडिबल ग्लू और शॉर्टनिंग बनाना कितना आसान है, आप इसे घर में बनाकर और यूज कीजिए। हाँ, अगर आपको शॉर्टनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप उस समय के लिए शॉर्टनिंग खरीद सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए ज़रूरत है तो आप इस शॉर्टनिंग का यूज करके आप अपना काम चला सकते हैं। ये है मैं यूज करती हूँ वो रेसिपी। अगर आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि आप भी यूज कर सकती हैं तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी नई रेसिपी आपके पास फटाफट पहुंच जाए।